जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद न जल ना लूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मल्टी स्टोर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो देखें दोस्तों, सैंपल में आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल की स्टेटस एडिटिंग इस बार लेकर आया हूँ आपके लिए। आप अपनी पिक्चर के साथ इस तरह का स्टेटस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। फुल स्क्रीन पर सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हुए हैं और आपकी पिक्चर के साथ इफेक्ट लगा हुआ है। बहुत ही कमाल का स्टेटस है और बहुत मेहनत हुई है स्टेटस को एडिटिंग करने में। सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, बस आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और एंड तक देखने के बाद आप इस तरह की वीडियो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं अपनी पिक्चर के साथ। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। जी तो दोस्तों, आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो काइन मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है विदाउट वाटर मार्क वाला, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस शो होगा जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, 9:16 वाली रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और उसे खींच कर इतना बड़ा कर लेना है जितना आपको स्टेटस चाहिए। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक पिक्चर को ऐड करना है जिसकी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो आपने आपको कब सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आपने सारा मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर लेना पहले से ही ताकि आपको बाद में स्टेटस बनाते हुए परेशानी ना हो। इस वाली पिक्चर को यहाँ पर ऐड करना है और फुल स्क्रीन पर इस तरह करके सेट कर लेना है। फुल स्क्रीन पर सेट करने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद ओके करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे जिस पिक्चर के ऊपर आप इस तरह का कमाल का स्टेटस बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास जस्ट एक सिंपल पिक्चर मौजूद है तो उस पिक्चर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो पहले थोड़ा सा पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे, क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइडों पर जितना इसके बैकग्राउंड है इसको कट कर लेंगे, हमें सिर्फ जस्ट पिक्चर चाहिए तो उसे ओके कर देंगे। उसके बाद इस पिक्चर को हम थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेंगे। ऐसे बड़ा करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसे हम कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन पर करने के बाद दोस्तों ओके कर देंगे। ओके करने के बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे इसका। डुप्लीकेट लेने के बाद दोस्तों इसको हमने करना है डुप्लीकेट ऑप्शन को सिलेक्ट और नीचे आ जाना है, इसके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद नीचे आ जाएंगे, हमें कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर फिल्टर में हमने जाना है और बेसिक के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ से फिल्टर का नेम सेलेक्ट करना है B32। B32 को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और दोबारा इसी वाली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और पल्स वाली एनिमेशन लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सॉन्ग के लिरिक्स ऐड करने हैं। पहले मैं आपको सॉन्ग के लिरिक्स बनाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आ जाना है बैक। बैक करने के बाद आपने जस्ट अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर उस सॉन्ग के लिरिक्स सर्च करने हैं जिस सॉन्ग का आप स्टेटस बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास जब तक सॉन्ग है तो मैं जब तक सॉन्ग लिरिक्स यहाँ पर सर्च करूँगा। ये देखें दोस्तों, जब तक सॉन्ग लिरिक्स सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर आपको सॉन्ग के लिरिक्स मिल जाते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट एंड कॉपी और मज़ीद जितने हमें लिरिक्स चाहिए उतने हम कॉपी कर लेंगे। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है सीधा पिक्सल ऐप ऐप के ऊपर। पिक्सल ऐप ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है लिरिक्स को। पेस्ट करने के बाद इनको थोड़ा छोटा कर लेना, करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमें लिरिक्स मिल जाते हैं। इसको हम नीचे में ऑप्शन है, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे। छोटा करने के लिए इसको मज़ीद थोड़ा छोटा करेंगे ऐसे। हमने इसे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सेट कर लेना है बिल्कुल ताकि हमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सेट कर लिया। इसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद दिखा देता हूँ। इस वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे खींच के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सही से मिल जाए। ओके करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे बोल्ड स्टाइल के ऊपर, इसे थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। ओके करेंगे और यहाँ पर हमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है। कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे ब्लैक कलर दे देंगे। ओके कर देंगे और इसके बाद इसे साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इसे खींच के वजी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट बैक करने के बाद ऊपर सेव का ऑप्शन मौजूद है। सेव एज इमेज करेंगे और सेव यहाँ से डिफ़ॉल्ट क्वालिटी को हटाकर अल्ट्रा करेंगे और सेव टू गैलरी कर लेंगे। यहाँ से
लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और जो पिक्चर आपने अभी बनाई है उस पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर लेना है। जो लिरिक्स वाली पिक्चर हमने बनाई है तो उस वाली लिरिक्स वाली पिक्चर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ऐसे, ये हमें ऐसे मिल जाएगा और इसको हम स्क्रीन पर ऐसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा करके अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमें सही से मिल जाए। उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने एक इफ़ेक्ट ऐड करना है ये हार्ट वाला, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे और इसके बाद नीचे आ जाएंगे ब्लेंडिंग पर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसे ओके कर देंगे और दोबारा सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको थोड़ा खींच के ऊपर कर देंगे ताकि हमें पिक्चर के साथ बिल्कुल मैच कर जाए। ओके कर देंगे, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह हम इसे नीचे ले आएंगे। नीचे ले आने के बाद इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने एक पीएनजी फाइल, एक और पीएनजी फाइल ऐड करनी है जिसका लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। मूड वाली फील द म्यूज़िक इस तरह की है होगी, इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है ऐसे और ओके कर देना है। उसके बाद दोबारा लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक और फाइल ऐड करनी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर लेना है ऐसे। थोड़ा छोटा करने के बाद इसको यहाँ हमने स्टेटस के नीचे बिल्कुल सेंटर में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये जितना हमें, इसके बाद हमने इसके ऊपर सॉन्ग ऐड करना है। अगर वीडियो से कोई ऑडियो लेना हो तो लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी वो वीडियो है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे ऐसे और ओके करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो को डिलीट कर देंगे, नीचे आपका आपको ऑडियो मिल जाएगा। तो जितना ऑडियो आपने लेना है तो उतना आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बाकी ऑडियो को आपने कट कर देना है। ट्रिम टू लैपटॉप प्लेयर मुझे यहाँ से चाहिए था और ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे इसको ऐसे। उसके बाद दोस्तों जितना हमें स्टेटस चाहिए उतना हम रख लेंगे और उसके बाद मज़ीद स्टेटस को हम कट कर देंगे, ओके कर देंगे। दोस्तों वीडियो हमारी तैयार है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो हमारी कैसी लग रही है। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क कर रही है और इफेक्ट भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इस तरह का स्टेटस बहुत खूबसूरत तरीके से बन गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह का स्टेटस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके साथ ही आपने यहाँ से शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसे 1080 पर रखने के बाद, रेट फुल करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पहुँचती है अख्ताम को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।